दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी नौजवान था जो उस समय उस महान वैज्ञानिक के साथ काम करके अपना बिजनेस बनाना चाहता था, और उस नौजवान का नाम था एडविन सी बर्न्स। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यह एडविन किसी अमीर पिता की संतान होगा जिसे और पैसे कमाने का तरीका चाहिए होगा, तो आप गलत हैं, क्योंकि एडविन कभी इतना अमीर था ही नहीं। उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई टेक्निकल स्किल्स थी। वह कपड़े भी बहुत ही मामूली से पहनते थे, लेकिन वह जो मामूली नहीं था वह था उनके सपने। एडविन के सफर की शुरुआत हुई जब उन्हें थॉमस एडिसन के बारे में पता चला। उस समय एडविन ने अपने मन में सोच लिया कि वह एडिसन के साथ ही बिजनेस करेंगे। उनके सफर की शुरुआत हुई साल 1905 में, जब वह एडिसन से मिलने न्यू जर्सी जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास ट्रेन के सफर के लिए भी पैसे नहीं थे। जैसे तैसे वह न्यू जर्सी पहुंचे, और जब उन्हें थॉमस एडिसन के ऑफिस में कदम रखा तो उन्हें देखकर हर किसी ने यही सोचा कि यह सड़क किनारे से चलता हुआ कोई आदमी आया है। लेकिन जब एडविन एडिसन से मिले तो उन्होंने जो कहा वह सुनकर सब हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि वह थॉमस एडिसन के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, और जब थॉमस के स्टाफ ने एडविन को यह कहते हुए सुना तो वह सब उन पर हंसने लगे। लेकिन एडिसन नहीं हंसे, क्योंकि उन्हें एक ऐसा नौजवान नजर आ रहा था जो अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। एडविन से प्रभावित होकर एडिसन ने उन्हें नौकरी दे तो दी, लेकिन अपने बराबर काम करने के लिए नहीं, और ना ही एक पार्टनर के रूप में, बल्कि एडिसन ने उन्हें एक सफाई कर्मचारी का काम दिया। लेकिन एडविन इस काम से दुखी नहीं हुए। उन्होंने बिना हिचकिचाहट वह नौकरी स्वीकार कर ली, क्योंकि आखिरकार उन्हें एडिसन के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, और एडविन ये अच्छे से जानते थे कि अगर वह एडिसन के आसपास रहेंगे तो वह देख सकेंगे कि एडिसन किस तरह से काम करते हैं, और उन्हें कई बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, और हो सकता है कि इसी बीच उन्हें एडिसन के सामने अपने आप को प्रूव करने का मौका मिल जाए। एडिसन ने एक सफाई कर्मचारी का काम भी बहुत ही अच्छे से किया, लेकिन उन्होंने कभी भी एडिसन के साथ अपना पार्टनरशिप करने का सपना नहीं छोड़ा। महीने बीते और साल बीते, और उन बीते सालों में ज़्यादा कुछ तो खास नहीं हुआ, लेकिन एडविन का एडिसन के साथ काम करने का सपना और मजबूत होता गया। अब वह एडिसन को और अच्छे से जानने लगे थे। लगभग 2 साल तक सफाई कर्मचारी का काम करने के बाद आखिरकार एडविन को मौका मिल ही गया, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। एडिसन ने अपनी डिक्टेटिंग मशीन बनाई थी। यह एक ऐसी मशीन थी जो बोली हुई बातें रिकॉर्ड कर सकती थी और उन्हें प्ले भी कर सकती थी। एडिसन ने इस मशीन का नाम एडिफोन रखा, और एडिसन ने अपने सेल्स मेंबर्स को अपनी इस नई इन्वेंशन के बारे में बताया और इसे मार्केट में बेचने के लिए कहा। लेकिन किसी भी सेल्समैन ने इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, पर एडविन एक अकेले ऐसे थे जिन्होंने यह कहा कि वह इस मशीन को बेच सकते हैं। एडविन समझ गए थे कि एडिसन की डिक्टेटिंग मशीन के कई फायदे हैं। उन्होंने बिना समय बर्बाद किए एक मार्केटिंग प्लान तैयार किया और एडिसन को दिखाया। वह एडिसन की इस रिकॉर्डिंग मशीन को पूरे अमेरिका में बेचना चाहते थे। एडिसन भी एडविन की प्रपोजल से खुश हुए और उन्होंने इजाजत दे दी। इस एग्रीमेंट के कुछ ही महीनों के अंदर एडविन ने लगभग हजारों डिक्टेटिंग मशीन्स बेच दी। इस मशीन की सेल्स इतनी तेजी से बढ़ी कि जल्द ही एडविन ने अपनी खुद की कंपनी एडविन सी बर्न्स एंड ब्रदर्स खोल ली। एडिसन की बनाई डिक्टेटिंग मशीन बेचकर एडविन काफी कम उम्र में मल्टी बिलियनर बन गए। अगर उस समय एडविन भी एडिसन की डिक्टेटिंग मशीन बेचने से मना कर देते, वह मशीन किसी काम की नहीं है यह सोचते, तो शायद वह कभी अपना सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने का सपना पूरा नहीं कर पाते। दोस्तों, एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो हर मुश्किल में भी परेशानी का हल ढूंढ ले, जिसे हर जगह पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज नजर आती हो। आखिर वह बिजनेसमैन ही क्या जो पैसे कमाने की कला ना जानता हो। तो दोस्तों, यह एक कहानी थी एडविन सी बर्न्स की, एक ऐसा इंसान जिसके पास कभी ट्रेन की टिकट के पैसे नहीं थे,
लेकिन अपनी मेहनत और लगन से वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हो गया। तो दोस्तों, आखिर में ये कहानी हमें सिखाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं कर सकते। अगर जरूरत है तो बस अपना सपना देखने की और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और लगन की। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।